तो दोस्तों मैं हेमंत आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों कुछ कलेक्शन किया, कुछ ब्रिटिश इंडियन नोट्स का, कुछ रिपब्लिक इंडियन नोट्स का, वही दिखाएगा आपको आज के वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 10 रुपये का ब्रिटिश इंडिया नोट है, और ये जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ साइलॉन का है। साइलॉन मतलब श्रीलंका का नोट है, उस टाइम श्रीलंका को ये साइलॉन बोलते थे। तो दिस नोट इज़ लीगल टेंडर फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट 10 रुपीज़। तो यहाँ लिखा भी है ये नोट 4 अगस्त 1943 का है। यहाँ कमिश्नर ऑफ करेंसी के यहाँ सिग्नेचर्स है, ये जॉर्ज सिक्स का पंचम का फोटो बना हुआ है और यहाँ वाटर मार्क रहता है। और यहाँ पे जो वाटर मार्क रहता है वो ये ड्रैगन का टेम्पल रहता है, ड्रैगन का टेम्पल है, ये ड्रैगन का फोटो है यहाँ पे। और यहाँ बैक साइड में आप देख सकते हैं जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेम्पल ऑफ द टूथ है, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ साइलोन देख सकते हैं लिखा हुआ है। यहाँ स्टैंप भी लगी हुई है उस टाइम की। बहुत ही ब्यूटीफुल रेयर नोट है, कलेक्टिबल नोट है, इजिली नहीं मिलेगा आपको इंडिया में भी, किसी कलेक्टर के पास पड़ा हुआ था तो उन्हीं से मैंने लिया। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये में। उस नोट का जो कंडीशन है, फाइन कंडीशन का नोट है, फाइन प्लस है, फाइन से अच्छी कंडीशन है, अच्छी चीज़ है कलेक्शन के लिए आप कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का रेयर नोट है, 5 रुपीज़ का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जॉर्ज फिफ्थ का पोर्ट्रेट लगा हुआ है यहाँ पे। ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर यहाँ लिखा हुआ 5 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जे बी टेलर का सिग्नेचर है। रेयर नोट है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में 5 रुपये लिखा हुआ है। फाइन कंडीशन का नोट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है। यहाँ से माइनर से थोड़ा सा यहाँ से नोट आई थिंक रिपेयर किया है, यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है नोट को रिपेयर किया हो यहाँ से नीचे से। चीज़ अच्छी है, कलेक्टिबल है, रेयर है, इजिली नहीं मिलेगी आपको। कंडीशन फाइन है, इस नोट का फाइन कंडीशन का नोट है। थोड़ा यहाँ से भी कंडीशन आप देख सकते हैं नोट का, यहाँ से भी नोट का कंडीशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छी चीज़ है, कलेक्टिबल है, रेयर चीज़ है, इजिली नहीं मिलेगी, इस प्राइस पर नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये नोट चाहिए ये मिल जाएगा 28,500 रुपये में, रीजनेबल प्राइस है, मेरे को रीजनेबल मिला कलेक्टर से। तो मैं भी आपको रीजनेबल लगा हुआ, इसका प्राइस ज़्यादा है मार्केट में, बट आपको भी मिल जाएगा 28,500 रुपये में, 5 रुपये का रेयर ब्रिटिश इंडियन नोट, जॉर्ज फिफ्थ का ये। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का रेयर नोट है ब्रिटिश इंडिया, सी डी देशमुख सिग्नेचर है, ये जॉर्ज सिक्स का फोटो बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, वाटर मार्क जॉर्ज सिक्स का पोर्ट्रेट रहता है, बैक साइड में एंटीलोप का फोटो बना हुआ है। फाइन कंडीशन से अच्छी कंडीशन है इसकी, माइनर से यहाँ स्टेन्स देख सकते हैं नोट पे आप, फाइन कंडीशन से अच्छी कंडीशन नोट की। तो अगर आपको ये नोट चाहिए ये नोट आपको मिल जाएगा 14,100 रुपये में, 14,100 रुपीज़ में, अच्छा नोट है कलेक्शन के लिए। उसके बाद दोस्तों 10 रुपये का ब्रिटिश इंडियन नोट है, जे बी टेलर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख सकते हैं, 10 रुपीज़ बर्मा, ये बर्मा में चलता था नोट, ये बर्मा भी हमारे इंडिया का पार्ट ही होता था। ये ब्रिटिश यहाँ वाटर मार्क जोसेस का फोटो बना हुआ है, यहाँ शिप देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड में, रिवर, ये रिवर समुंदर में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, वाटर मार्क जोसेस का फोटो रहता है। अच्छी कंडीशन का नोट है, फाइन, वेरी फाइन कंडीशन का नोट है ये भी। तो अगर आपको ये नोट चाहिए मिल जाएगा 7,300 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों ये आपका 10 रुपये का ब्रिटिश इंडिया नोट है, जे बी टेलर सिग्नेचर है, जॉर्ज सिक्स का फोटो बना हुआ है, वाटर मार्क में जॉर्ज सिक्स का फोटो रहता है, बैक्समैन में एलिफेंट्स का रिजर्व आरबीआई का लोगो बना हुआ है यहाँ पे। अच्छी फाइन कंडीशन का ही नोट है ये भी, अच्छा नोट है, कलेक्टेबल नोट है, ये मिल जाएगा 5,000 रुपये में, अच्छा नोट है, कलेक्शन कर सकते हैं। ये भी 10 रुपये का नोट है, जे बी टेलर सिग्नेचर है, ये साथ में स्टार्टिंग नंबर 143 है, आई लव यू मतलब, और एंडिंग में आप ये भी देख सकते हैं 3131 भी आ रहा है, अच्छा नोट है, ये कलेक्शन वाला नोट है, जे बी टेलर सिग्नेचर है, फाइन फाइन अच्छी कंडीशन का, फाइन प्लस कंडीशन का ही नोट है ये। ये आपको नोट मिल जाएगा 5,100 रुपीज़ में। ये 5 रुपये का ब्रिटिश इंडिया नोट है, सी डी देशमुख सिग्नेचर, जॉर्ज सिक्स का यहाँ फोटो बना हुआ है,
कभी इंडिया लिखा हुआ है, साथ में थोड़ा माइनर सा कटिंग एरर भी है, ऊपर थोड़ा कटिंग हुआ है, नीचे थोड़ा अच्छा आया हुआ है, नीचे से थोड़ा अच्छा आया हुआ, अच्छा कलेक्शन वाला नोट है। माइनर सा यहाँ रोप होल है, यहाँ पिन होल है, यहाँ पे अच्छा नोट है, कलेक्शन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन का नोट है, फाइन प्लस कंडीशन का नोट है भी, डिफरेंट डिफरेंट में 5 रुपये लिखा हुआ है, आरबीआई का यहाँ लोगो है। ये नोट आपको मिल जाएगा 5500 रुपीज़ में, ये भी 5 रुपये का ब्रिटिश इंडिया नोट है, सी डी देशमुख सिग्नेचर है, ये लिखा हुआ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बर्मा, लीगल टेंडर इन बर्मा ओनली, बर्मा में नोट चलते थे, जोसेफ का फोटो बना हुआ है, बैकग्राउंड में 5 रुपये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अच्छा नोट है कलेक्शन के लिए, सी डी रेट भी रिजनेबल है, प्यारी कंडीशन का नोट है, फाइन प्लस कंडीशन है नोट का भी, ये नोट आपको मिल जाएगा 5100 रुपीज़ में, ये भी 5 रुपये का ब्रिटिश इंडियन नोट है, सी डी देशमुख सिग्नेचर है, जॉर्जेस का पोर्ट्रेट बना हुआ था वाटर मार्क में, जिसमें 5 रुपये लिखा हुआ है, ये नोट आपको मिल जाएगा 3520 रुपये में, 3520 में, अच्छा नोट कलेक्शन के लिए भी, प्राइस भी रिजनेबल है। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का नोट है, रेयर नोट है, जे बी ए के डब्ल्यू कैली का नोट है, और ये कंट्रोलर ऑफ द करेंसी है, जिनका सिग्नेचर यहाँ पोर्ट्रेट बना हुआ है जॉर्ज फिफ्थ का, बैक साइड में ये लिखा 1 रुपी इंडिया 1935, और ये नीचे सीरियल नंबर आ गया, और यहाँ पे अच्छा नोट, अच्छी कंडीशन का नोट कह सकते हैं, फाइन प्लस कंडीशन का नोट है, और यहाँ पे थोड़ा टेप लगी थी, आई थिंक किसी ने उस टाइम पे टेप लगाई हुई थी या क्या था पता नहीं, तो इसने टेप टेप उतारी हुई, टेप का ये इंप्रेशन है, टेप का यहाँ पे टेप लगी नहीं इस नोट पर, टेप का थोड़ा इंप्रेशन है यहाँ पे, अच्छा नोट है कलेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, रेयर नोट है, ये मिल जाएगा 10500 रुपये में, अच्छा नोट है कलेक्शन के लिए। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का नोट है, फाइन कंडीशन का, ये लिखा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बर्मा, लीगल टेंडर बर्मा ओनली, फाइन कंडीशन का नोट आप देख सकते हैं, ये नोट आपको मिल जाएगा 1720 रुपये में, 1720 में, ये आपका 1 रुपये का रेयर नोट है, इसमें ए के रॉय के सिग्नेचर है, इसे गल्फ इशू बोलते हैं, गल्फ इशू का जो पहचान जो होती है नोट रेड कलर में होता है और साइड में प्रीफिक्स जेड में होता है, तो इससे पता चलता है कि गल्फ इशू नोट है, और बी इनसेट है, ये 1957 का नोट है, रेड कलर में आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में यहाँ पे 1 रुपया लिखा हुआ है, वाटर मार्क ये अशोका बिल्ला का ही फोटो रहता है, तो ये नोट आपको फाइन कंडीशन का नोट है, अच्छी कंडीशन है, फाइन कंडीशन है, ये फाइन कह लीजिए यूज कह लीजिए, बट रेयर नोट है, कलेक्टिबल नोट है, प्राइस रीजनेबल है, ये मिल जाएगा 12300 रुपये में, ये 1 रुपये का नोट है, फाइन कंडीशन का ये नोट, ये सी जॉन सिग्नेचर का फोटो है, 1940 का नोट आप देख सकते हैं, ये फाइन कंडीशन का ही नोट है, ये मिल जाएगा आपको 1900 रुपये में, ये भी 1 रुपये का नोट है, सी जॉन्स का 1 रुपये का 1940 का फाइन कंडीशन का नोट है, ये नोट आपको मिल जाएगा 2000 रुपये में। उसके बाद दोस्तों 5 रुपये, ये 2 रुपये का ब्रिटिश इंडियन नोट है, जॉर्ज सिक्स का फोटो बना हुआ है, 2 रुपीस लिखा हुआ है, और यहाँ वाटर मार्क जॉर्ज सिक्स का फोटो रहता है, फाइन कंडीशन का नोट है, ये भी फाइन कंडीशन है, ये नोट आपको मिल जाएगा 5500 रुपये में, 5500 रुपीज़ फाइन कंडीशन का नोट है। उसके बाद दोस्तों ये भी 5 रुपये का ब्रिटिश इंडिया नोट है, जे बी टेलर सिग्नेचर है, जॉर्ज सिक्स का फोटो बना हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 5 रुपये लिखा हुआ है, ये वाला नोट फाइन कंडीशन, अच्छी कंडीशन है, वाइट कलर का, अच्छी कंडीशन में कोई रिजनेबल मिला है, तभी आपको ये रेट रिजनेबल मिल रहा है, ये मिल जाएगा नोट आपको 3700 रुपीज़ में, फाइन कंडीशन है, यूएनसी लग रहा है बट यूएनसी नहीं है, फाइन कंडीशन का नोट है 3700 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों ये 10 रुपये का नोट है, जे बी टेलर सिग्नेचर है, बहुत ही अच्छी कंडीशन का नोट है, जॉर्ज का फोटो बना हुआ है, वाटर जॉर्ज का फोटो रहता है, बैक साइड में एलिफेंट का फोटो रह सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेरी फाइन कंडीशन का नोट है, ये नोट आपको मिल जाएगा 6800 रुपीज़ में, बहुत ही प्यारी कंडीशन नोट आप कह सकते हैं, मिल जाएगा 6800 रुपीज़ में, ये भी 10 रुपये का ब्रिटिश इंडियन नोट है, सी डी देशमुख सिग्नेचर है,
बैक साइड में शिप का बोर्ड का फोटो बना हुआ है, आरपीआई लिखा हुआ है, अच्छी कंडीशन है नोट है भी, ये मिल जाएगा आपको 5500 रुपीज़ में। ये भी 5 रुपये का ब्रिटिश, 10 रुपये का ब्रिटिश इंडियन नोट है, सी डी देशमुख सिग्नेचर है ये। ये यूएनसी एक्सट्रीमली फाइन टू यूएनसी कंडीशन का नोट है, बोर्ड का फोटो बना हुआ देख सकते हैं, वाटरमैन जॉर्जेस का फोटो रहता है, ये मिल जाएगा 8000 रुपये में। ये 5 रुपये का ब्रिटिश इंडियन नोट है, सी डी देशमुख सिग्नेचर, जॉर्जेस का फोटो बना हुआ है, वाटरमैन जॉर्जेस का फोटो रहता है, नंबर ही सेमी फैंसी है, लास्ट में 888 है, 888। अच्छा नोट है कलेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, बट कंडीशन फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन का नोट है, देख सकते हो फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन है। ये नोट आपको मिल जाएगा 15000 रुपये में, फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। उसके बाद ये भी 10 रुपये का ब्रिटिश इंडियन नोट है, ये जो नोट है वो है बर्मा, ये करेंसी बोर्ड लीगल टेंडर बर्मा ओनली, 10 रुपये का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट है, फाइन कंडीशन का नोट है, पेपर क्वालिटी थोड़ी डाउन है, लो है क्योंकि ज़्यादा यूज हुआ हुआ नोट है, ये मिल जाएगा 3520, 3520 रुपये में, लो क्वालिटी वाला नोट है, फाइन कंडीशन का नोट है। ये भी 10 रुपये का नोट है, बर्मा करेंसी बोर्ड लीगल टेंडर ओनली, ब्रिटिश इंडिया, सी डी देशमुख सिग्नेचर है, जॉर्जेस का नोट है, ये भी लो क्वालिटी वाला नोट है, मीडियम कंडीशन है इसकी, ये मिल जाएगा 3520, 3520 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का रिपब्लिक इंडिया नोट है, ये जो इनका सिग्नेचर है, फाइन वेरी फाइन कंडीशन का नोट है, 1951 का फोल्ड है, सेंटर फोल्ड है, ये आपको नोट मिल जाएगा 1320 रुपये में। ये भी 1 रुपये का नोट है, के जे अगेन कर का 1951 का थर्ड इशू नोट बोलते हैं इसे, ये फाइन कंडीशन का नोट है, ये मिल जाएगा 1090 रुपये में, फाइन कंडीशन का नोट है। ये 1 रुपये का नोट है, के जे अगेन कर का, ये सेकंड इशू नोट है, फाइन कंडीशन का नोट है, ये भी फाइन कंडीशन का नोट है, ये मिल जाएगा नोट 1320 रुपये में। ये 1 रुपये का फर्स्ट इशू नोट है, के आर के मीना सिग्नेचर दे सकते हैं, और यहाँ बैक साइड में अशोक बिरला का, इस यहाँ पे फ्रंट में अशोक बिरला का सिंबल है, वाटर मार्क अशोक बिरला का सिंबल होता है, बैक साइड में फ्लोरल होता है, डिफरेंट डिफरेंट 1 रुपया लिखा होता है। ये हमारा इंडिया का पहला रिपब्लिक इंडिया नोट है, कंडीशन फाइन है नोट की, फाइन कंडीशन का नोट है ये नोट आपको मिल जाएगा 4730 में, 4730 रुपये में, फाइन कंडीशन का नोट है, रेयर नोट है, पहला रिपब्लिक इंडिया नोट है ये, के आर के मीनन का। ये 1 रुपये का के जी ग्रीन कलर का फोर्थ इशू नोट है ये, इस तो पहले नोट ग्रीन कलर में आता है, फिर नोट का कलर ब्लू कर दिया गया, ये नहीं भी 1951 का नोट है, ये नोट मिल जाएगा आपको 550 रुपये में। ये 10 रुपये का सेकंड इशू नोट है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरियर द सम ऑफ द 10 रुपीज़, क्या बी राम राव सिग्नेचर है, यू एन सी टाइप कंडीशन है, एक्सट्रीमली फाइन टू यू एन सी टाइप कंडीशन है, बोर्ड का फोटो बना हुआ है, बट माइनर से यहाँ स्टेन देख सकते, स्टेन है थोड़ा सा, यहाँ से नोट फटा इधर से, थोड़ा सा नोट यहाँ से माइनर से फटा हुआ है, कट लगा हुआ फटा कह सकते हैं, बट है जो है, जो है दिखा रहा हूँ क्योंकि चीज़ दिखानी चाहिए कस्टमर ग्राहकों की, कलेक्टर को, कि क्या क्या नोट में कमी है वो भी दिखानी है, और जिसकी अच्छाई है वो भी बतानी है, बट चीज़ कलेक्शन वाली चीज़ है, कलेक्टिवल है, यू एन सी एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन है, प्राइस भी रीजनेबल है, वो है 3500 रुपीज़। उसका ये आपका 100 रुपये का नोट है, के जी अगेनकर सिग्नेचर है, ये हमारा एलिफेंट वाला नोट है, 100 रुपीज़, 100 रुपये का, बैक साइड में एलिफेंट का फोटो बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, वाटर मार्क जॉर्ज चोर का नहीं, अशोक का बिरला का सिंबल रहता है, फाइन कंडीशन का नोट है, एलिफेंट वाला फाइन कंडीशन है, ये नोट आपको मिल जाएगा 10900 रुपये में, अच्छा नोट है, फाइन कंडीशन का नोट है, 10900 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये आपका 100 रुपये का नोट है, पीसी भट्टाचार्य सिग्नेचर है, फाइन प्लस कंडीशन का नोट है, ये भी फाइन प्लस कंडीशन का नोट है,
डैम वाला, ये मिल जाएगा 5,000 रुपीज़ में। ये भी 100 रुपये का नोट है, पीसी भट्टाचार्य सिग्नेचर है, डैम वाला नोट है, भी फाइन प्लस कंडीशन का नोट है, भी फाइन प्लस कंडीशन है। ये मिल जाएगा नोट 6,600 रुपीज़ में। ये आपका 500 रुपये का नोट है, फाइन कंडीशन का, फाइन कंडीशन का नोट है, सी रंजन सिग्नेचर है। ये मिल जाएगा आपको 1,230 रुपये में। ये भी 500 रुपये का सी रंजन का नोट है, फाइन कंडीशन का, ये मिल जाएगा 1,230 रुपये में। ये आपका 500 रुपये का नोट है, अच्छी कंडीशन है, वेरी फाइन कंडीशन, एस रंग तिरमन सिग्नेचर है, अच्छी कंडीशन, आप कह सकते हैं वेरी फाइन, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन है। ये मिल जाएगा 1,500 रुपये में। ये भी 500 रुपये का डांडी का नोट है, सी रंग रंजन का, अच्छी कंडीशन का नोट है, ये प्यारी कंडीशन है, 1,400 रुपये में। ये भी 500 रुपये का आर नोत्रा का नोट है, वेरी फाइन कंडीशन है, ये फर्स्ट इशू नोट है डांडी मार्च का, ये मिल जाएगा 1,500 रुपये में, वेरी फाइन कंडीशन है। यहाँ फोल्ड है नोट, सेंटर फोल्ड भी है। ये भी 500 रुपये का नोट है, एस वेंकट रमन का, फाइन वेरी फाइन, फाइन कंडीशन का ही नोट है ये। नोट आपको मिल जाएगा 1,230 रुपये में। ये हमारा ये 50 रुपये का नोट है, इंडिया प्रोटोकॉल का, ये कैंसिलेशन मार्क बोलते थे, ये सिग्नेचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा के नोट है ये, क्योंकि ये पुर्तगीज इनने जो राज गोवा वाली जगह पे किया था, तो उन्होंने ये नोट ये इशू किया था। ये मिल जाएगा 2,710 रुपये में, ये फाइन कंडीशन का नोट है। ये 20 रुपये का ये इंडिया पुर्तगाल नोट आ गया, ये यहाँ सिग्नेचर आप देख सकते हैं। ये मिल जाएगा नोट आपको 2,710 रुपये में, 2710 में, 2,710 रुपये में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का कलेक्शन पसंद आया, कलेक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमेशा खुश रहिए, कलेक्शन करते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत।